चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइकोज और लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन, अर्थात शर्करा का अपघटन। तो ग्लाइकोलिसिस, बच्चों वर्ड जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, एक है ग्लाइकोज, दूसरा है लिसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है शर्करा और लिसिस का मतलब होता है अपघटन, अर्थात शर्करा का अपघटन। अब आप बोलोगे सर किस शर्करा का और किसमें अपघटन, तो बच्चों शर्करा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के एक अणु का पाइरूविक एसिड के दो अणुओं में विघटन, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु का पाइरूविक एसिड के दो अणुओं में विघटन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है या ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। बच्चों ये श्वसन चाहे अनोक्सी हो चाहे ऑक्सी हो, श्वसन की जो पहली अवस्था है वो ग्लाइकोलिसिस है। अगर श्वसन ऑक्सी हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ पाइरूविक एसिड बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और वहां पे श्वसन की दो अवस्थाएं क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। लेकिन पहले श्वसन चाहे अनोक्सी हो चाहे ऑक्सी हो, श्वसन की पहली अवस्था है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोज का मतलब शर्करा और लिसिस का मतलब आपने देख लिया लाइसिस। कहीं पे लाइसिस शब्द लिखा हो इसका मतलब अपघटन। इसका अपघटन शर्करा कौन सी, ग्लूकोज शर्करा है और इसका आपको अपघटन करना है पाइरूविक एसिड के दो अणुओं में। बच्चों ये प्रक्रिया कहाँ चलेगी, ये प्रक्रिया आपकी चलेगी साइटोसोल में, अर्थात कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये चलती है कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है चलती कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। और इस पथ को बच्चों खोजा था एम्बेडेन मेयर हॉफ जे पारनास, अगर आप देखें EMP, इस पथ का नाम बच्चों EMP पथ भी है, अर्थात E4 एम्बेडोन, M4 मेयर, P4 पारनास। जिन वैज्ञानिकों ने इसे बच्चों खोजा था उनके नाम पे इस पथ का नाम भी दिया गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा कि EMP पथ किसे कहते हैं, समझाइए बच्चों। EMP अर्थात ग्लाइकोलाइसिस, पूरा नाम क्या, एम्बेडेन मेयर हॉफ और परनास ने इस पथ को खोजा था, इसलिए इस पथ का नाम पड़ गया EMP पथ, ठीक है। अब श्वसन की पहली अवस्था का वर्णन कीजिए, यही है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड के दो अणुओं में विघटन, समझाइए, यही प्रक्रिया आपको लिखनी है। अथवा श्वसन की उस अवस्था का वर्णन कीजिए जो साइटोसोल अथवा कोशिका द्रव्य में चलती है, वो भी आपको यही लिखना है। बच्चों एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ग्लूकोज का आपको विघटन करना है पाइरूविक एसिड के दो अणुओं। अब होगा क्या इसमें, ये पूरी प्रक्रिया 10 पदों में चलती है और हर पद में आपको अलग अलग एंजाइम मिलेंगे, पूरी एंजाइमेटिक प्रक्रिया है।
पूरी प्रक्रिया एंजाइम के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है और कितने पद है, 10 पद है। एक एक करके हम बच्चों पद को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो पहला आप देख सकते हो क्या करना है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में रूपांतरण, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलेगा। अच्छा, फॉस्फेट कहां से आया भाई? फॉस्फेट आया है बच्चों एटीपी से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ने अपना एक फॉस्फेट दे दिया ग्लूकोज को, और ये फॉस्फेट ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जुड़ गया। ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, अब किसने किसको क्या दिया है, एटीपी ने अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दिया है। तो जब बच्चों किसी एक क्रियात्मक समूह अथवा एक परमाणु का एक यौगिक से दूसरे यौगिक में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो वहां पे एंजाइम काम करता है काइनेज, क्योंकि 6 कार्बन है तो यहां पे कौन काम करेगा, हेक्सोकाइनेज। चलिए, तो पहला है क्या कि ग्लूकोज को बदलना है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ठीक है, अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बच्चों फॉस्फेट आया कहां से है, तो फॉस्फेट आया है एटीपी से, और ये बदल गया एटीपी। ठीक, एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम आपको पता है यहां पे बच्चों काइनेज है, और कौन सा काइनेज है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ये पहली अवस्था है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज बदलेगा इसमें अपने आइसोमर में, अपने समावयवी में, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सामान्य समावयवी कौन, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ओके, अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कौन बदला है, ग्लूकोज बदला है फ्रक्टोज में, ये आइसोमर है, समावयवी है, तो यहां पे एंजाइम क्या होगा बच्चों, आइसोमरेज, फ्रक्टो आइसोमरेज। ये दूसरी अवस्था है, दूसरा पद है और दूसरा एंजाइम है आइसोमरेज, फ्रक्टो आइसोमरेज। ये एंजाइम भी याद रख लिया आपको। ठीक है, उसके बाद बच्चों फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट वापस एक फॉस्फेट ग्रहण करेगा, और वो फॉस्फेट पहले कार्बन पे जुड़ेगा, तो नाम हो जाएगा फ्रक्टोज, पहले छठे कार्बन पे पहले से फॉस्फेट जुड़ा है तो ये पहले पे आएगा, 1-6, 2 जुड़ गए बच्चों, 2 फॉस्फेट जुड़ गए तो इसे बाय फॉस्फेट कहेंगे, 2 फॉस्फेट आ गए। अच्छा, ये फॉस्फेट कहां से आया है, जैसे ऊपर आया था ग्लूकोज में, फॉस्फेट कहां से आया, एटीपी से, तो यहां पे भी आप एटीपी का यूज कर सकते हो, क्या लिखोगे, एटीपी से एडीपी। एंजाइम वापस वही है, कौन, काइनेज, लेकिन यहां पे काइनेज कौन सा होगा, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज। ठीक है, यहां तक देखो, पहले स्टेप में क्या करोगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाओ, और फॉस्फेट कहां से आया, एटीपी से आया, एटीपी ने अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, और ग्लूकोज तो बदल गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, एटीपी बदल गया एडीपी में, एंजाइम कौन सा है, तो हेक्सोकाइनेज।
ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज बदल गया, ग्लूकोज ने अपना रूप बदल दिया, किसमें? फ्रक्टोज में, नाम पड़ गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज को हटा के फ्रक्टोज लिख देना है, क्योंकि बच्चों ये आइसोमर, आइसोमर है फ्रक्टोज का, तो एंजाइम भी आइसोमरेज ही होगा, ये आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एक फॉस्फेट और ग्रहण करता है। फॉस्फेट आएगा कहां से? एटीपी से फॉस्फेट आएगा, एटीपी एडीपी में बदला, और फ्रक्टोज में आने वाला फॉस्फेट पहले कार्बन के साथ जुड़ा, क्योंकि छठे कार्बन में पहले से फॉस्फेट है, इसका नाम पड़ गया फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, अब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट अब ये टूटेगा बच्चों, इसका विघटन होगा। आपको पता है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है, बच्चों इसका अब विघटन होगा 2 समान भागों, एक बनेगा PGAL फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट, शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों PGAL। दूसरा बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें भी 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट है, इसे शॉर्ट में कहते हैं DHEB। सामान्य रूप से ये दोनों ट्रायोज शर्कराएं हैं। क्या है ये? ट्रायोज शर्करा, ठीक है। अब ये ट्रायोज शर्करा में बच्चों क्या होगा कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बदल जाएगा किसमें? फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड में। ये दोनों एक दूसरे बदल सकती है, तो DHEP बदल जाता है PGAL में, अर्थात अब आपके पास PGAL के 2 अणु हो जाएंगे। कैसे? एक तो ये खुद का है, खुद का अणु है, और दूसरा DHEP बदल गया है PGAL। ठीक है बच्चों, अब यहां पे होगा क्या, जो एंजाइम है ये लाइसिस है बच्चों, अपघटन हो रहा है, फिर चौथा जो एंजाइम आएगा वो आएगा फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज, ये सिंपल आप लिख सकते हो लाइसिस। ठीक है, कौन सा लाइस है? फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, और इसकी सहायता से बच्चों फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट टूट गया किस किस में? DHEP में और PGAL। DHEP बच्चों बदल जाएगा किस में? PGAL में, यानी आपके पास अब ये 2 अणुओं का, हर बार आप 2 का यूज करोगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे मेन घटना है, यहां पे होगा क्या, यहां तक की जो अवस्था थी, चौथी अवस्था तक की जो अवस्था थी बच्चों, ये अच्छा, ये जो बदला है ना, ये आइसोमरेज है, आइसोमरेज 5वां डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज की सहायता से बदल जाएगा फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। ठीक है, इसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम है बच्चों? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बदल जाएगा फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। ठीक है, DHEP बदल गया किसमें? PGAL में।
इसकी सहायता से, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से। अब ये फॉस्फोग्लिसराइड PGAL बच्चों क्या करेगा, ये ATP की सहायता से, अब यहां पे बच्चों ATP बनेगा, ठीक है। या अब यहां तक की जो अवस्था थी वो एनर्जी कंजप्शन फेज था, इसके बाद की जो अवस्था आएगी वो एनर्जी प्रोडक्शन फेज आएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, क्योंकि दो दो का गुणा करना है, तो दो ATP से दो ATP बनेंगे, यहां पे बच्चों क्या करोगे, दो ADP याद रखना है, ये ADP से ATP बनाना है, दो ADP से दो ATP। तो आप देखो ऊपर क्या था, ATP का यूज हो रहा था, यहां पे ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, यहां पे NAD कितने, अब आपको सब में दो दो का गुणा करना है, NAD से बच्चों बदल जाएगा 2NAD, आप H2 लिख सकते हो या NAD H.H+ आप लिख सकते हो, और ये बदल जाएगा बच्चों 1,3-bifosphoglyceric acid, 1,3-bifosphoglyceric acid एल्डिहाइड से बच्चों अब बन गया है एसिड, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। क्या बना है, 1,3-bifosphoglyceric acid, अर्थात इसको बोलते हैं PGE, कितने, दो, दो PGA बन गए बच्चों, 1,3-bifosphoglyceric acid। एंजाइम कौन सा, एंजाइम है बच्चों डीहाइड्रोजनेज, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन निकला नहीं है, तो नाम क्या होगा एंजाइम का, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं यहां पे, ग्लिसरल्डिहाइड, छठा पॉइंट है, ग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की सहायता से जो फॉस्फोग्लिसराइड था वो बदल गया है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA के दो अणु, ठीक है, 1,3-bifosphoglyceric acid, था दो फॉस्फेट है जिसमें से एक फॉस्फेट पहले कार्बन पे जुड़ा है और दूसरा फॉस्फेट तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। अब 1,3-bifosphoglyceric acid में से बच्चों क्या होगा, ये फॉस्फेट बच्चों ATP यहां बनाओ, एनर्जी कंजप्शन यहां पे करना है, ये बन गया, देखिए यहां से आप क्या करोगे, जो ATP थे उनका निर्माण करना है, 2 ADP से 2 ATP, यहां पे ATP बनाना है, तो एक स्टेप ये आएगा, कितने, दो, तो पहले कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट ATP बन के बाहर आ गया। अब आपके पास क्या बचा है, 3-फॉस्फो, बाय तो हट गया, अभी 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है,
टू फॉस्फो में से थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. एंजाइम काइनेज, यहां पे बच्चों फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज, एंजाइम का नाम है फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज. काइनेज है ना, सिर्फ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से क्या किया, एटीपी को यानी फॉस्फेट को हटा के एटीपी के साथ जोड़ दिया. एक अणु को दूसरे के साथ जोड़ना है तो ये काइनेज का काम है. ये आपका है सातवां स्टेप. स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आपको तैयार करने हैं. अब थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में से बच्चों क्या होगा, ये जो तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा था अभी दूसरे पे आ जाएगा. इसका नाम हो जाएगा टू फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. टू फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. थ्री से क्या होगा, टू फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. अच्छा, यहां पर इसने क्या किया, म्यूटेट कर दिया, म्यूटेशन कर दिया. थ्री से फॉस्फेट को हटा के दो पे डाल दिया. इसको बोलते हैं बच्चों म्यूटेट, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेट. एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेट. ये है आठवां पॉइंट. अब टू फॉस्फोग्लिसरेट बच्चों बदलेगा. अच्छा, सब दो दो और है, याद रखना, सब दो दो का गुणा करते जाना भाई. टू फॉस्फेट जो था बच्चों यहां पे, ये बदल जाएगा इनोलेज में, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट. फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, ठीक है, कितने, दो. क्योंकि दो तो आप कॉमन है, दो में दो का गुणा आपको सब में करते जाना है. टू फॉस्फो इनोल पाइरुवेट. एंजाइम कौन सा, तो एंजाइम बच्चों यहां पे है इनोलेज. एंजाइम है इनोलेज. ये है नवा स्टेप. और लास्ट दसवां स्टेप है बच्चों, जब फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में से फॉस्फेट हट जाएगा, फॉस्फेट हटेगा तो क्या बनेगा, टू पाइरुवेट अर्थात दो पाइरुविक एसिड, CH3COCOH, तीन कार्बन वाले दो पाइरुविक एसिड बने, ठीक है. और ये दसवां पॉइंट है जो दसवां स्टेप है जो पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुवेट में बदलेगा. ये है बच्चों पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस. अब इसको एक बार वापस शॉर्ट में समझते हैं. देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में बदलोगे हेक्सो काइनेज की उपस्थिति में. ग्लूकोज को किस में बदला है बच्चों, ग्लूकोज फॉस्फेट में, किसकी उपस्थिति में, हेक्सो काइनेज की उपस्थिति. एटीपी से बन गया एडीपी, ठीक है, यानी जो फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ा वो कहां से आया है,
वो एटीपी से आएगा। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, अपने समावयवी ग्लूकोज बदलेगा फ्रक्टोज में, तो नाम पड़ गया फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। ग्लूकोज की जगह आपको फ्रक्टोज लिख देना है और एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज आइसोमरेज। वापस क्या होगा, ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, सिक्स फॉस्फेट मतलब छह फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट एक है जो फ्रक्टोज अथवा ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जुड़ा है। ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में बदल जाएगा फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट बच्चों लाइज एंजाइम है, लाइज कौन सा लाइज, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज की उपस्थिति में दो ट्रायोज फॉस्फेट में बदलता है, एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायोज शर्कराएं हैं जो एक दूसरे में बदल सकती है। ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बच्चों अब इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसकी सहायता से NAD बदल जाएगा NADH2। NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन गेनर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये बदल गया। आज याद रखना NAD का NADH2 कहां बन रहा है, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बदल जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा यहां पे कैसे बदला, ये जुड़ेगा बच्चों अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ, अकार्बनिक फॉस्फेट को यहां पे ऐड कर देना है 2PI। तो अकार्बनिक फॉस्फेट जो था वो जुड़ गया इसके साथ, अब ये बन गया 1,3-bifosphoglyceric acid। एंजाइम का नाम है डिसल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। यहां तक इससे पहले जो जब जहां तक आपने इसको तोड़ा था यहां तक की अवस्था को बच्चों कहते हैं एनर्जी कंजप्शन फेज। ये एनर्जी कंज्यूम करती है और इसके बाद की जो अवस्था आएगी वो आएगी एनर्जी प्रोडक्शन फेज। ठीक है, ये क्या था, एनर्जी कंजप्शन और ये है एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये 1,3-bifosphoglyceric acid, दो का गुणा पता है, दो का गुणा करते रहना क्योंकि DHAP भी बदल जाएगा इसमें, इसके बाद आपको दो दो अणु मिलते रहेंगे। ये जो 1,3-bifosphoglyceric acid है इसका पहला कार्बन से फॉस्फेट निकल जाएगा, कहां पे ATP के साथ जुड़ेगा और आपको एक दो ATP यहां मिल जाएंगे, दो ATP ये मिले। उसके बाद 1,3 से ये बन जाएगा 3-phosphoglyceric acid, एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज में से तीसरे कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट दूसरे पे आ जाएगा, ये बदल गया 2-phosphoglyceric acid। 2-phosphoglyceric acid बच्चों अब इनोलेज की उपस्थिति में बदल जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। दसवें पॉइंट में क्या करोगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में बदल जाता है पाइरुविक एसिड में और यह है ग्लाइकोलाइसिस पूरा। ग्लूकोज के एक अणु का पाइरुविक एसिड के दो अणुओं में विघटन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रक्रिया। अब देखो इसके स्टेप, कौन कौन से स्टेप बच्चों इसमें आते हैं थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए स्टेप वाइज देखिए बच्चों इसको।
एनर्जी के लिए, हर एक प्राणी या वनस्पति को एनर्जी के लिए श्वसन करना है। श्वसन में पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा पाइरूविक एसिड के दो अणुओं में। कहां चलेगी प्रक्रिया बच्चों? साइटोसोल में चलेगी। ग्लूकोज बदल जाएगा किसमें? पाइरूविक एसिड। कितने? ये 10 प्रक्रियाएं, 10 स्टेप है। इसमें एटीपी बनेगा, NADH2 बनेगा, ये आपको याद रखना है। ATP और NADH2 10 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। ये आपको समझ लिया है, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड के दो अणु बनाने हैं आपको। पहला स्टेप है जो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में चलेगा, ग्लूकोज बदल जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये पहला स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपको पता है, आइसोमरेज है, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बदल जाएगा बच्चों फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आइसोमर करना है, समावयविता बनानी है, आपको समावयविता उत्पन्न करनी है। फिर वापस थर्ड फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बदल जाएगा 1,6-बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में, और ATP बदल जाएगा ADP में। चौथे स्टेप में आपको तोड़ना है इसको, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट टूटेगा तो ट्रायोज फॉस्फेट, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एंडोलेज, एंजाइम देखना कौन सा है, DHAP बनेगा और PGL बनेगा, ठीक है। DHAP बदल जाता है PGL में, PGL के दो अणु आपको अब यूज करने हैं, है ना, टू अणु आपको इसके यूज करने, याद रखना। अब टोटल ATP कितने, आपने 4 ATP यूज कर लिए, ये है एनर्जी कंजप्शन फेज। इसके बाद जो आएगा वो आएगा एनर्जी प्रोडक्शन फेज। छठे स्टेप में देखो क्या होगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और एक NADH2, दो NADH2 आपको बनेंगे और ये बदल जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से अब क्या होगा, काइनेज वो पहले कारण पे लगा हुआ फॉस्फेट को दूर करेगा, ATP बनाएगा और अब बदल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2 ATP के अणु बन जाए, ठीक है। अब आएगा म्यूटेज जो 3-फॉस्फेट से 2-फॉस्फेट बना लेगा, सेकेंड कारण पे लाएगा फॉस्फेट, नाम बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 8-9 आएगा इनोलेज, इनोलेज क्या करेगा, वाटर को दूर करेगा और उसको बदल देगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बच्चों बदल जाएगा किसमें, काइनेज की सहायता से पाइरूवेट के दो अणु, ठीक है। ये हो गया है कंप्लीट, क्या कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस। आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है, इसको लिखा हुआ किताब में है, समझा मैंने आपको दिया है, जो नहीं समझ में आएगा वापस आप कल पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए